शहर हैदराबाद में जारी कोरोना वायरस की वबा और दीगर अमराज के खदशात के तहत सफाई का खुसूसी ख्याल रखने की ताकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जगह जगह पानी जमा होने से रोकने के लिए शहरियों को अपने तौर पर इकदाम करने चाहिए। मजलिस बल्दिया आजिमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों की आफजाइश को रोकने के लिए मच्छर कुछ अद्वियात के छिड़काव के साथ अवाम में सफाई के मुतालिक शऊर उजागर करने के इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन हल्के असम्बली कारवान के इलाके गोलकुंडे में वाक़ गोलकुंडा फर्न कॉटेज के रूबरू गंदे पानी के बहाव को रोकने के लिए की जाने वाली मुतद्दिद नुमाइंदगियां बेफायदे साबित हो रही है। GHMC के अलावा मुकामी मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को भी इस सिलसिले में मुतद्दिद मरतबा वाकिफ करवाया जा चुका है। इसके बावजूद इस इलाके के अवाम को दरपेश इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जब कभी बल्दिया में अमला दस्तियाब होगा सफाई का काम अंजाम दिया जाएगा। गोलकुंडे के इलाके में जहां मच्छरों की बहुतात है वहीं इस तरह के गंदे पानी के मुसलसिल बहाव से कई किस्म के अमराज फूट पड़ने का अंदेशा है और इस इलाके के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं इनका हल किया जाना नागुजीर है क्योंकि वबाई अमराज के इस दौर में सफाई पर तवज्जो ना दिए जाने के सबब दीगर वबाई अमराज जैसे हैजा मलेरिया और दीगर बीमारियों में इजाफे का खदशा है। इसीलिए मजलिस बल्दिया आजिमतर हैदराबाद के ओहदेदारों को इस मसले की फौरी यकसोई पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। साहब ये कौन सा एरिया है साहब? ये गोलकुंडा फ्रन कॉटेज है। साहब ये जो मोहरी जो बह रही है ये कब से बह रही साहब? साहब ये तकरीबन 6 महीने से बह रही है। तो यहाँ पर एरिया कॉर्पोरेटर या एरिया नुमाइंदे कोई भी आके? एरिया कॉर्पोरेटर जो है कई बार आए उसको साफ कराते फिर दूसरे दिन फिर जो है ये बहते रहती है। इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ होना चाहिए तो जो है उनसे हम रिक्वेस्ट भी करे थे। कॉर्पोरेटर साहब बोले ठीक है बाद में करेंगे। तो हर 2-4 दिन में जो है आते जो है बल्दिया वाले खाली करते फिर जो है दोबारा फिर यही हाल रहता। 6 महीने से यही हाल है। पूरा ये बस्ती का मेन एंट्रेंस यही है, सबको यहीं से गुजरना पड़ता है। लोग नमाजों के लिए जाते हैं, लेडीज़ के बुरखे गंदे होते हैं, सबके लिए जो है परेशानी मुश्किल है ये। सुनने ना जी, बिल्कुल ये जो है सुनने ना ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो कोरोना से भी डेंजर है, इससे जो है मलेरिया डेंगू सारे मच्छर जो है यहाँ से फिर पैदा होंगे। सुनने ना बस्ती में कितनी गंदगी है, इससे जो है सेहत का मामला जो है हेल्थ मैटर जो है होते हैं इससे। तो सब ये कभी बल्दिया वाले GHMC वाले आके इसको कुछ भी वो नहीं करे, इसको बार बार साफ करते लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं करते। यहाँ पे जो है ब्लॉक हो जाता है, वहां से लाइन क्लियर है, यहाँ पे आके सारे जो है 200-300 मकान है वहाँ पे आके वो ब्लॉक हो जाता है। उसका कुछ परमानेंट बड़ी लाइन डालना चाहिए। अब ये बारिश के दौरान जब भी बारिश होती है पानी बहता नहीं, हमेशा बहता पानी हमेशा ही बह रहा है। बारिश ही बोल के नहीं है, अभी बारिश नहीं है अभी भी बह रहा है। अब यहाँ के जो रहने वाले मुकामी जो अफराद है वो लोग मुश्किल परेशानी सब उठा रहे हैं इसमें सबके लिए। समझे ना जहांगीर, हमारे जहांगीर भाई ये जो पीछे जो आपकी जो मोहरी बह रही ये कब से बह रही है? ये कम से कम बोलते अपने 5-6 साल से बह रही था।
ये एरिया कौन सा है? ये बंजारी दरवाजा। बंजारी दरवाजा गोलकुंडा किला। हाँ गोलकुंडा किला। ये यहाँ के MLA कौन आते हैं यहाँ पर? अच्छा कॉर्पोरेटर। अच्छा नहीं नहीं ये जो पानी कभी भी बल्दिया वाले आके या एरिया के लोकल लीडर्स आके इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए? यहाँ बोलते गए हमारा बल्दिया वालों को बोलते गए, बल्दिया वाले क्या हो रहे बना तो बना तो आ रहे खोद रहे देख रहे चले आ रहे। ये पानी पूरा यहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये पूरा नाले तक चले जाता अंदर।